प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 9 दिन बाद दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का बावतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने स्वागत किया। वे खरखिया गांव में 870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 22 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का दिसंबर के 17 दिनों में ये यूपी का छठवां दौरा है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 20 लाख लोगों की घरौनी का लिंक उनके मोबाइल पर भेजेंगे। बनास डेयरी से जुड़े 1.77 लाख दुग्ध उत्पादकों के खाते में 35 करोड़ रुपए का बोनस ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद किसान दिवस पर वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों से आए हुए किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी आने से पहले पीएम ने बुधवार रात ट्वीट किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कल का दिन विकास कार्यों को समर्पित रहेगा। प्रधानमंत्री की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग उनका संबोधन सुनने पहुंच गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसानों की है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए उनकी बाहरी सुरक्षा व्यवस्था में 11 आईपीएस अफसरों के नेतृत्व में पुलिस पीएससी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री का जनसभा स्थल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। सभा स्थल में किसी को भी काले कपड़े पहनकर नहीं जाने दिया जाएगा। पिछले 3 दशकों में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। यही वजह है कि भाजपा 2022 के चुनाव में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं और यहां विधानसभा की 156 सीटें हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो भाजपा ने 106 सीटों पर कब्जा किया था। सहयोगी दलों को मिलाया जाए तो ये आंकड़ा 128 सीटें भाजपा ने जीती। वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बसपा को 12, अपना दल को 8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। पूर्वांचल के 26 जिलों में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा ने 22 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं सपा और बसपा गठबंधन के खेमे 6 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।